उसके पैसे का क्या होता है, कई ऐसे मामले हैं जो बरामदगियां होती है उसके बाद वापस पैसा बैंक को भी ईडी की तरफ से दिया जाता है, लेकिन इन सब पर चर्चा बाद में करेंगे। शुरुआत संबित पात्रा आपसे करते हैं। और संबित जी, रेड राज चल रहा है देश में, रेड राज ही अब राजधर्म है, यह आरोप है कांग्रेस पार्टी का, क्या होगा आपका जवाब? देखिए अंजना जी, पूरे विश्व में एक नियम है, कोई अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है या कोई चोर पकड़ा जाता है तो आज तक पूरे पूरे विश्व में किसी चोर ने नहीं कहा अच्छा हुआ पुलिस आ गई, रेड लगा गई और हमें पकड़ लिया। हर कोई रोता है और कहता है अरे मैं तो बड़ा अच्छा था, ये पुलिस बदमाश है, मैं तो सब कुछ ठीक था, ये मेरे पैसे नहीं है, पता नहीं कौन रख गया यहाँ पैसे, तो ये स्वाभाविक है। क्या लगता है आपको, अब कांग्रेस पार्टी आके कहेगी नहीं नहीं नेशनल हेराल्ड केस में दोनों माँ बेटे जो हैं उन्होंने गबन किया है, 5,000 करोड़ का घपला हुआ है, कहेंगे नहीं, कह ही नहीं सकते हैं। मगर आप बताइए, रेड राज इत्यादि इत्यादि टेक्निकलिटी रेटोरिक्स, ये सब रेटोरिक्स आप छोड़ दीजिए, आप कोर्ट में गए थे कि नहीं, ये कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई थी कि नहीं, पटियाला हाउस कोर्ट, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, क्या उनका डिमांड था कि ये नेशनल हेराल्ड केस फर्जी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, इस केस को मिलॉर्ड आप खारिज कर दीजिए, क्वैश कर दीजिए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस को हम खारिज नहीं कर सकते हैं, इस केस में प्रथम दृष्टिया मेरिट लग रहा है, यू विल हैव टू फेस द ट्रायल, आपको ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। यहां कोई वीआईपी नहीं है अंजना जी, अगर घपला किया है, अगर किसी प्रकार का चार्ज लगता है, उस चार्ज में मेरिट है और तथ्य है, तो आपको ट्रायल को फेस करना पड़ेगा। आज ट्रायल फेस कर रही हैं कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा, अभी इंटरिम अध्यक्षा, और उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। हो सकते हैं वो कांग्रेस के लिए बड़े लोग हैं मगर कानून के लिए बड़े नहीं है। अगर गबन किया है तो उत्तर देना पड़ेगा। ये चोरी ऊपर से सीना जोरी ये नहीं चलने वाला, ये चोरी ऊपर से सीना जोरी नहीं चलने वाला है। और दबाव की राजनीति, आज अगर हेराल्ड हाउस में रेड हो रहा है, ईडी को काम करने से रोकने के लिए वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों पहुंच जाते हैं सुप्रिया जी? बेरोक टोक, वो बोले ना आपने उनको टोका ना मैंने टोका, आशा करती हूं मुझे भी नहीं टोका जाएगा अपना ओपनिंग कमेंट देने में। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपके माध्यम से हम देश की जनता से बात करते हैं, उनके सामने अपना पक्ष रखते हैं। मैं देश की जनता को बताना चाहती हूं ये किस मामले की बात हो रही है। ये उसी मामले की बात हो रही है जिसको 2016 में इसी सरकार की इसी एजेंसी ने बिना कोई केस का तथ्यात्मक तथ्य हुए बंद कर दिया था। फिर दबाव में आकर ये केस पुनः खोला गया है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है। उसका भी प्रमाण आपको दे देती हूं। कौन प्रमाण है? उसका प्रमाण सोनिया गांधी जी हैं, उसका प्रमाण राहुल गांधी जी हैं, उसका प्रमाण अशोक गहलोत जी हैं, उसका प्रमाण भूपेश बघेल जी हैं, उसका प्रमाण कमलनाथ जी होंगे, चिदंबरम जी होंगे, डीके शिवकुमार जी होंगे। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। एक और प्रमाण सुन लीजिए 10 सेकंड में, उत्तर से शुरू करिए, एनसी के फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी है, उत्तर प्रदेश चले जाइए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज के खिलाफ ईडी है, वेस्ट बंगाल चले जाइए टीएमसी के खिलाफ ईडी है, बीजेडी और वाईएसआर इनके घटक दल बन चुके हैं, टीआरएस के खिलाफ ईडी है, महाराष्ट्र में संजय राउत जेल में है ईडी है, तमिलनाडु में तो उन्होंने पार्टी को ही डिवाइड कर दिया। फेरिस्त बहुत लंबी है और इस पूरी फेरिस्त में एक भी भाजपा का वो नेता नहीं है जिसके खिलाफ पहले ईडी के केसेस होते थे और अब बिल्कुल मूक दर्शक बन गई ईडी। लेकिन भाजपा के ईडी कहां कहां जा सकती है मैं आपको बताती हूं। पीयूष गोयल ने कंपनी बेची 1,000 गुना प्राइस बढ़ाकर, 15,000% प्रॉफिट और बेस बढ़ जाता है जयशाह जी की कंपनी का। कोल का स्कैम हुआ, कानून बदले गए एक व्यक्ति के लिए। दाल का स्कैम हुआ, किसानों को ठगा गया, पैसा बड़ा कमाया बिचौलियों ने, वो एक आदमी ने। जीएसपीसी का स्कैम हुआ, लगातार मुद्रा पोर्ट पर गुजरात में ड्रग्स पे ड्रग्स आ रही है 21,000 करोड़ की, ईडी वहां नहीं जाएगी। ईडी 20-20 करोड़ में विधायक कैसे खरीदे जा रहे हैं वहां नहीं जाएगी। ईडी जाएगी जहां पर ऑपोजिशन होगी, जहां पर लोग सवाल पूछेंगे। और आपकी बात का ही मैं जवाब देती हूं कि क्यों विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है अंजना जी क्योंकि इस देश को यह बात समझनी जरूरी है। यही तो गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल में तो पूरे विपक्ष को निलंबित करके पूरा विधानसभा सत्र चल जाते थे, उसी को अब पूरे देश में चलाया जा रहा है। अहमदाबाद में 144 की धारा जब देखो तब लगी रहती है और लगी रहती थी, वो अब पूरे देश में किया जा रहा है। तो दिक्कत की बात यह है कि अगर ऐसा होगा, अगर आपके हेमंत बिस्व शर्मा
ये रेड्डी ब्रदर्स, येदियुरप्पा, नारायण राणे, मुकुल रॉय जो आपके पास आए थे, शुभेंदु अधिकारी, शिंदे जिनके साथ आपने मिलकर सरकार बनाई, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां कब होंगी? उन दिक्कत की बात यह कि जो सर्फ से धुलकर गंगा में गोता लगाकर भाजपा में शामिल हो जाओ और ईडी आपसे परे हो जाती है, वो नहीं चलेगा। हम बोलेंगे।